वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो में बताने वाला हूं पत्नी के द्वारा जो ज्यादातर केसेस आजकल किए जा रहे हैं पति के ऊपर। और मेरे पास में ऐसे बहुत से केस आते हैं जिनमें प्रैक्टिकल तौर पे मैं ये पाता हूं कि पत्नी के द्वारा उन केसों में एक ऐसा अमाउंट लिखवाया जाता है जो होता है कई लाखों में, जैसे 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 60-70 लाख रुपए तक वो अमाउंट होता है। इससे ज्यादा भी होता है, यानी बहुत सा अमाउंट इस तरीके का लिखवाया जाता है। और फिर इस अमाउंट की डिमांड की जाती है पति से कि ये अमाउंट पति दे, उनका शादी में इतने लाख रुपए का खर्चा हुआ है। यानी कि वो जो अमाउंट लिखवाती है पत्नी, उसमें ये बात लिखवाती है कि हमारा ये खर्चा हुआ है शादी के अंदर, इतने लाख रुपए हमारे खर्च हुए हैं, तो ये पति दे। तो यहाँ पे उन केसों के अंदर इस तरीके की लाइन लिखवाई जाती है। तो क्या एक्चुअल में पति का ये दायित्व तो बनता है कि जो शादी के अंदर पत्नी का जितना खर्चा हुआ है वो खर्चा पति देगा? एक्चुअल में क्या है, कानून के अंदर क्या कहा गया है, क्या बातें लिखी गई है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। उससे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये पति के लिए एक मुसीबत खड़ी हो जाती है जब पत्नी के द्वारा ये एक अमाउंट लिखवाया जाता है, एक डिमांड की जाती है कि इतना लाख रुपए हमें चाहिए, इतना हमारा खर्चा हुआ है शादी के अंदर। तो एक्चुअल में क्या पति का दायित्व है, कानूनी रूप से क्या कहा गया है? तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि देखो, पत्नी एक मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है, खुद का मेंटेनेंस मांग सकती है। अगर रीजनेबल अमाउंट हो उसका मेंटेनेंस का, तो वो खुद मांग सकती है। और उसमें भी कई सारी एक प्रस्तुति, एक गाइडलाइन होती है जिसके अधीन ही मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। बच्चों का मेंटेनेंस मांग सकती है अगर बच्चे हैं तो, या फिर उसका जो स्त्री धन है उसकी डिमांड वो कर सकती है। पर यहाँ पे कानून में कहीं पे भी ये प्रावधान नहीं किया गया है कि पत्नी के द्वारा जो शादी में खर्चा किया गया है वो खर्चा, तो देखो कितना भी लिखवा सकती है, तो क्या वो खर्चा पति देगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देगा। कानून में कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि पत्नी के द्वारा जो शादी में खर्चा किया गया है वो पति देगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा और ऐसा नहीं होने वाला है। कभी भी नहीं होगा कि शादी में जो उन्होंने खर्च किया है वो पति देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे पति के मन में जो टेंशन है, जो दिमाग के अंदर ये बात घर कर गई है, उसको पति निकाल दे और निष्फिक्र होके रहे कि वो खर्चा पति को नहीं देना पड़ेगा। पत्नी के द्वारा तो देखो कुछ भी लिखवाए दिया जाता है, अब वो अपनी इच्छा अनुसार खर्च कर रहे हैं, उनको कोई फोर्स नहीं कर रहा है। जब वो अपनी इच्छा अनुसार खर्च कर रहे हैं तो देखो, लड़की साइड से भी खर्च किया जाता है, यानी कि पत्नी साइड से भी खर्च किया जाता है और पति साइड से भी खर्च किया जाता है। तो शादी में दोनों पार्टियों का खर्चा होता है। यहाँ पे दोनों को कोई भी फोर्स नहीं करता है, कोई भी दबाव नहीं डालता है कि आप इतना रुपए खर्च करो, जब उनका स्वेच्छा अनुसार खर्च किया गया है। और बाद में अगर वो डिमांड की जा रही है तो ये गलत है, वो डिमांड उनकी पूरी नहीं होगी। केवल एक रीजनेबल हो तो वो केवल मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है पत्नी, और अगर उसके बच्चे हैं तो बच्चों का मेंटेनेंस वो ले सकती है, और जो उसका स्त्री धन है, स्त्री धन के अंदर जो भी आता है वो ले सकती है। यहाँ पे शादी का खर्चा वो नहीं ले सकती है, पति से वो शादी का खर्चा नहीं ले सकती है। ये कानून में कहीं पे भी प्रावधान नहीं है कि शादी का खर्चा उसको मिलेगा। तो ये पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जो उन लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।